वो हुआ नहीं। सबसे पहली कंप्लेंट आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लालू पार्चा ने दी है, वो हमारे पास कॉपी, हम आपको दिखा सकते हैं। डेवलपमेंट ये है कि कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों का गिरफ्तार करके लीपापोती कर दी गई है और उसको सही तरीके से नहीं किया गया इन्वेस्टिगेट। 85% की बात करने वाले हम लोग, तो अब मैं उसके बारे में जवाब देता हूँ कि इस देश में एक राजनीतिक महापुरुष हुए जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की राजनीति मजबूत होगी उनके साथ अत्याचार नहीं होगा। आपने बिखरी हुई आबादी बनके, और हमने राजनीति तो मजबूत की नहीं, आज कई लाख संगठन खड़े कर लिए हैं अलग अलग नाम पे, हर आदमी अलग संगठन पे, और जब बिखरी हुई आबादी आप रहेंगे तो कमजोरों के ऊपर अत्याचार होते हैं, अत्याचार मजबूत लोगों पर नहीं होते। आपने राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाई नहीं। आप जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा गोलमेज सम्मेलन के बाद कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, उन्होंने इसलिए कहा थी, यही बात इसलिए कही थी कि गरीब लोगों की, जो मजलूम लोग हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा थी और ज्यादा जनसंख्या वाले लोगों को वोटिंग राइट दिए गए थे, अगर वो लोग अपना वोट एक साथ डालते तो राजा उनका बनता, शासन पे उनकी पकड़ होती, और जब शासन पे पकड़ होती तो अत्याचार क्यों होते, अत्याचार नहीं हो सकते थे। आपने अपनी राजनीति कमजोर कर ली इसलिए अत्याचार की बात हो रही है। दूसरी चीज, आज इस देश में जो मानसिकता है इन्वेस्टिगेट करने की, जातियां देख के जो भी क्राइम है, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जातियां देख के होती है। दिल्ली में ही दिल्ली के मुकंदपुर में एक लड़की आजमगढ़ से आ गए, अपना काम सीख रही थी इंटीरियर डेकोरेटर का, नेहा नाम था उसका, आज आपके सामने डिस्क्लोज करता हूं, ट्रायल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस बेटी को उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, बॉडी के साथ भी रेप किया गया, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, एक चश्मे से देखते हैं, जो वो निर्भया के लिए 1 करोड़ रुपए चंदा देने की बात करते थे, और जब वो नेहा बेटी के लिए न्याय की बात आई तो उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, 2000 लोग उसके दरवाजे पे गए और उसने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला उनकी बात सुनने के लिए। हमने दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने जाकर गुहार लगाई, आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। इसी दिल्ली में जो निर्भया कांड पे पूरी दिल्ली कैंडल लेके इंडिया गेट के सामने खड़ी थी, लेकिन वही मुकंदपुर में जो उस गरीब बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ, क्योंकि उसकी राजनीति मजबूत नहीं थी इसलिए वो न्याय पाने में विफल हुई। हम कमजोर नहीं है, हम मजबूत राजनीति लेकर आए, इसलिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, और हम लोग वोटर हैं। आज एक नारा दिया उन्होंने कि हरियाणा का लाल केजरीवाल, हम तो दिल्ली के लाल हैं, तो उसको दिल्ली को भगाने के लिए आए केजरीवाल को, दिल्ली से भगा रहे, दिल्ली के लाल ही दिल्ली को भगा के हरियाणा भेज रहे हैं। हमने आपके सामने एक बात रखी, इस देश में दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा वो है जो आज की डेट में डिमांड करती है कि मराठा वो होना चाहिए रिजर्वेशन, एक कहती है गुजर आंदोलन वो रिजर्वेशन होना चाहिए, एक कहती है जाट रिजर्वेशन होना चाहिए। हमने ये कहा कि 2% लोग संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं और वो लोग बिखराव की राजनीति, लोगों में जातियां पैदा करके बिखराव की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं पहले कास्ट एबोलिशन करो, उसके बाद 4-5 महीने रह रहे हैं और अभी तक आप कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया है, तो सब तक एक मिनट ये नहीं, खन्ना जी ये सवाल भाजपा कांग्रेस आम आदमी से भी पूछ लो जाके, हमारे तो तैयार है सब, हम आपको लिस्ट दे देंगे। जो 15 और अन्य जो पार्टियां हैं उनसे हमारी कमेटी चर्चा कर रही है, जब उनसे चर्चा फाइनल हो जाएगी सब बैठ के हम फाइनल कर लेंगे हमारे कितने जो कैंडिडेट उतर रहे हैं मैदान में, और आपको उसकी सूची जो है दी जाएगी। 57 कौन कौन से राज्य में कैंडिडेट खड़े करने की आपकी है, कौन कौन से राज्य? ऐसा है राजस्थान से आप 25 ले लीजिए हमारी तरफ से, नहीं है भाई। मैं आपको
अगर आप कर देंगे तो आम आदमी पार्टी ने कोई सिर्फ एक सीट पे ईस्ट दिल्ली पे एक सीट पे कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, कोई और डिक्लेयर नहीं किया। उसमें भी कर दिया, उसने सिर्फ प्रभारी बढ़ाए हैं और वो प्रभारी चेंज हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात कब किया, तो क्या देश के जो प्रधानमंत्री जी है उनके सामने जो है हमारे संत समाज से बहुत बड़े जो संत है जो चुनाव लड़ेंगे उनका नाम बहुत जल्दी हम डिक्लेयर करेंगे। अभी चर्चा चल रही है बहुत बड़े साधु महात्मा, क्योंकि उनकी पार्टी से हम बहुत ज्यादा खपा है, इसलिए साधुओं में बहुत रोष है हमारे दलितों के अंदर, और दलितों में सबसे श्रेष्ठ जो हमारा जो संत होगा वो उनके सामने चुनाव लड़ेगा। ऐसा है कि घंटा बजाने की जो प्रक्रिया है हम लोगों ने नहीं शुरू की थी, बड़ी बड़ी जो राजनीतिक दल है जो राज कर रहे हैं उन्होंने घंटा बजाकर भगवान को गाले देना शुरू किया था, तो उनकी रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए और विश्व में प्रजातंत्र को जो जिस तरीके से देखा जा रहा, भारत की स्थिति जो नीचे आई है, निम्न स्तर पे आई है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारा एलएच एक साथ आए। तो क्या हो क्या ऐसा है क्या हो जो उच्चारण करने वाले लोग संसद की कमान संभालेंगे? ऐसा है जी, जब देश के अंदर प्रजातंत्र के नाम पर जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं निम्न स्तर की जो शब्दों की जो वाक्य आपस में एक दूसरे पे कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है, मेरी बात सुनिए, कि हम लोगों को भी है जो संसद में जाकर देश की और नागरिकों की रक्षा के लिए हम लोग हैं, जो हमारी पार्टी आगे बढ़ी। सर इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए जो है फंड चाहिए होगा, तो क्या फंड आपने रेज कर लिया है या फंड रेज करने की प्लानिंग अभी आप कर रहे हैं? इलेक्शन के लिए फंड चाहिए होता है तो फंड के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, फंड रेज कर लिया आप? मैं कह रहा आप तो पहले भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, इस देश में इस देश के वोटर के दिमाग में एक ही डर पैदा किया गया है, वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल गेन। कि आप हमेशा ये कहते हैं कोई भी आदमी किसी के पास भी चले जाओ, आज हर वोटर के दिमाग में एक ही डर है कि बिना पैसे के राजनीति नहीं होगी, बिना पैसे के राजनीति नहीं होगी। तो उस डर को निकालने का नाम ही आपकी अपनी पार्टी है। हम आए हैं तो पैसा मैटर नहीं करता, जब चुनाव जीतने के लिए आप काउंटिंग में क्यों जाते हैं, नोट गिनने क्यों नहीं जाते बैंक में? अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप बैंक में जाइए, नोट गिनिए। आप कह रहे हैं कि ये नोटों से चुनाव लड़ा जाएगा, वोट गिनने क्यों जाते हैं आप, काउंटिंग में क्यों जाते हैं आप लोग? आपको बैंकों में होना चाहिए नोट गिनने के लिए। तो वोट चुनाव वोट से लड़ा जाएगा, नोटों से नहीं लड़ा जाएगा, और वोट से ही चुनाव जीता जाता है। अच्छा वकील साहब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, नहीं आज बहुजन आप बहुजन समाज पार्टी से निकल के आपने नई पार्टी बनाई है, कल तक आप भगवादारियों के जो है विरोधी साबित हुआ करते थे, आज भगवादारियों के दामन में बैठने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी किसको मैंने आपने ये कैसे सोच लिया कि भगवादारी, अगर वो साक्षी जी महाराज हैं तो वो कहां से आए, किस समाज से निकल गए, उमा भारती किस समाज से निकल गए? नहीं एक मिनट, जब उमा भारती को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप कहते हैं ये ओबीसी समाज से है, और ये अगर हमारे समाज के लोग काशी में जिस दिन काशी के मंदिर में प्रधानमंत्री मत्था टेकने जाते हैं उस दिन आपने सवाल नहीं किया कि काशी का मंदिर क्यों बनाया गया रविदास मंदिर, उसमें वो भी तो भगवादारी है। काशी में जो रविदास मंदिर है या पंजाब में जो जितने भी डेरे हैं वो सारे हमारे ही लोग डेरे चला रहे हैं, आपने कभी, ये हमारे समाज के लोग अगर साधु संत बन गए तो इनकी गोद में नहीं, इनकी गोद में हम खेलचा बड़े हुए हैं। अगर वाल्मीकि मंदिर है उसमें हमारे समाज के संत महात्मा बैठे हुए हैं और उनकी गोद में हम पल पीट के बड़े हुए हैं, तो क्या हम उन लोगों की उस संस्कृति के गोद में बैठ के जाके? रामवीर सिंह जी आप कहते थे कि हमें मंदिरों की जरूरत नहीं, हमें विद्यालयों की जरूरत है, मैं आज भी इस बात को कहता हूँ। फिर आप मंदिरों की बात कहां से आ गई, भगवादारियों की जो बात है आपने जो बात करी वो गलत तरीके से करी। आप एक राजनीतिक बात जो आप लोग जो बात कर रहे हैं मैं उस पर आ रहा हूँ। आप बहन जी सुनो, आपने कहा ना बीएसपी, अब मैं आपके बीच में ये बात रखता हूँ। आपकी कल तक राष्ट्रीय नेता जो संसद में त्याग पत्र लेके आई राज्यसभा में, उन्होंने जैसे योगी जी ने कहा कि हनुमान जी तो दलित थे, उन्होंने कहा कि आप योगी जी दलितों को पुजारी बना दे हनुमान मंदिर का, क्या आपने आपका जो आइडियोलॉजिकल
सोच है, जो आइडियोलॉजी थी, आप उससे शिफ्ट करके नहीं चले गए दूसरी तरफ। जब आप दलितों का मंदिर में घुसाने की बात करते हैं तो हम तो इन महात्माओं की गोद में पलचे पड़े हुए हैं और ये हमारे समाज के लोग हैं, हमें इनकी गोद में बैठने से कोई गुरेज नहीं है। लोकसभा के चुनाव में ये सारे मुद्दे उठाएंगे, लेकिन साथ साथ हम दिल्ली की भी बात करेंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसमें 2011-12 में ये जो आंदोलन, ये झूठ का आंदोलन खड़ा किया गया भ्रष्टाचार का, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री 2012 में एक बहुत बड़ा बंडल लोगों के बीच में उठा के बताते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, ये सबूत है, मैं उनको जेल भेजूंगा। आज 5 साल 2013 से लेकर अभी तक लगभग 5 साल हो गए, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री एक भी कंप्लेंट किसी के खिलाफ लॉज नहीं करवा पाए हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो वो सबूत थे जिनको मीडिया के सामने लहराया गया, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में नहीं भेजना चाहिए? अगर एक आम आदमी अपना एक कागज पुलिस से छिपाता है, कोई एविडेंस छिपा लेगा तो उसको जेल भेजने की बात हो जाती है, वो जेल चले जाता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शीला दीक्षित और कलमाड़ी के खिलाफ कॉमनवेल्थ गेम के जो कागज छिपाए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को, जो एविडेंस जिसको ये एविडेंस बताते थे, उस एविडेंस को छिपाने के जुर्म में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस होना चाहिए। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ और उनके ये कागज, ये डॉक्यूमेंट छिपाने के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल से 28 नवंबर 2018 को समय मांगा। हमने उनसे समय की डिमांड की कि आप हमें टाइम दीजिए, हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस से 2 दिन के बाद फोन आया कि उपराज्यपाल महोदय 3 मार्च तक बिजी हैं, आपको समय नहीं मिल पाएगा। ये बात आपके बीच में इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जो सरकार है और केंद्र की जो सरकार है, ये दोनों लोग मिले हुए हैं और एक दिल्ली की जनता को एक डुबडुबी दिल्ली के साथ खेल गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ खेल कर रहे हैं ये लोग। जब हम उपराज्यपाल से मिलना चाहते थे कि हमारे पास सबूत है, हमने कहा कि दिल्ली के 4 नौजवान बच्चों की मौत हुई सिग्नेचर ब्रिज पे, और सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के वक्त कहा गया कि हमने बहुत बड़ा काम किया, विकास कर दिया दिल्ली में, लेकिन उन 4 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन था? जिस दिन सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया, हमने उससे पहले वीडियो जारी की और हमने कहा था कि ये इनकम्प्लीट है, इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन हमारी बात पे आम आदमी के लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। पर जो वो 4 बच्चे, 4 डॉक्टर मरे, 2 डॉक्टर जिसमें से मरे थे, उनके लिए कौन जिम्मेदार था? उनकी मौत के लिए क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के विकास मंत्री और जिस इंजीनियर ने वो सर्टिफिकेट दिया था कंप्लीशन का, क्या उन 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री ईमानदारी की बात करते हैं, दिल्ली का पूरा कैबिनेट भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली, इसके साथ साथ दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको बार बार बड़ा प्रचारित किया जा रहा है 1-2 कमरे को सजा के दिल्ली में वेल प्लान नगर में एजुकेशन को डेवलप किया गया है। तो मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के जो 40,000 टीचर हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 40,000 टीचर आज इतने ज्यादा टॉर्चर और उनको हरास किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों के टीचर को एक एसएमसी नाम की संगठन बना दिया गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस सिस्टम के अंदर घुस के उन टीचर्स को टॉर्चर कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे, उनको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। और उन टीचर्स के साथ क्या हो रहा है? कहते हैं कि एसएमसी को पावर है टीचर को सस्पेंड करने की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, विधानसभा कानून बनाती है, तो सीसीएस रूल किस लिए बनाएंगे? किसी को शो कॉज नोटिस देके कंडक्ट मिसकंडक्ट की बात की जाती है, तो टीचर्स के ऊपर अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर भी
ये जनता की कमेटी है दिल्ली की, मुख्यमंत्री से दिल्ली की जनता कहती है कि आप टीचर से इस्तीफा मांगते हैं, हम दिल्ली की जनता आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली की जनता की भावनाओं के अनुसार काम नहीं किया। तो हम उन टीचर्स को भी आश्वासन देना चाहते हैं कि दिल्ली के झूठ फ्रेम के जो ये मुख्यमंत्री है चप्पल वाले, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। ये सारा एसएमसी का कॉन्सेप्ट ही हम खत्म करेंगे। जब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन थी पहले, वो बैठ के बात करते थे, आज आपने अपने कार्यकर्ताओं को एसएमसी में घुसा के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको टॉर्चर करने की बात कर दी है। टीचर से आप एक तरफ रिजल्ट चाहते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से एक तरफ रिजल्ट चाहते हैं और दूसरी तरफ उनको टॉर्चर करना चाहते हैं, और टॉर्चर और कोई नहीं करता। हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कानून के जानकार हैं तो वो बताए कि एसएमसी को कौन सा अधिकार सीसीएस रूल में है कि वो किसी टीचर को सस्पेंड कर सकती है। नहीं तो ये गैर कानूनी काम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, इसके खिलाफ उनको तुरंत हम उनके इस्तीफे की भी मांग करते हैं। इस बात को लेकर साथ साथ दिल्ली में भ्रष्टाचार एक और आंदोलन, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 70 वायदे किए, 70 वायदों में से एक वादा किया गया कि दिल्ली में जो भी सफाई कर्मचारी सीवर में उतरेगा अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसकी उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस के उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसके परिवार को रोजगार दिया जाएगा। तो दिल्ली जल बोर्ड आज की डेट में मुख्यमंत्री के सुपरविजन में काम कर रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, किसी भी पोर्टफोलियो को दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड को डायरेक्ट सुपरविजन करते हैं। और वो किस लिए कि जो सीवर की लाइन डलेगी जो उसमें जो बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी उसमें दलाली खाने के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात करना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार 2020 में हमने टारगेट रखा कि हम सरकार बनाएंगे और 15 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मुद्दों में और जो ये लोग सफाई कर्मचारी मरे हैं सीवर साफ करते हुए, इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 15 दिन के अंदर हम जेल भेजेंगे, आपकी अपनी पार्टी जेल भेजेंगे। वो नहीं कर पाए, वो शीला दीक्षित कलमाड़ी को जेल नहीं भेज पाए, लेकिन आपकी अपनी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजेगी 15 दिन के अंदर। 2020 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इस मुद्दे पे सिग्नेचर ब्रिज के 4 बच्चों की हत्या में और जो सफाई कर्मचारी सीवर में मरा है उनकी हत्याओं के लिए सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। इस मुद्दे पे हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं और जैसे हमारी सरकार बनेगी 15 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। साथियों, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, टीचर्स की भी समस्या है, रक्षा सौदों पे हमने बताया। एक और देश में एक बंदर बांध चल रही है, हर सरकार आगे नई योजनाएं लागू करती है, आज ये योजना आज वो योजना, और योजनाओं का फायदा किसको मिलता है? मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने ही लोगों को योजनाओं के प्रपोजल भिजवाते हैं, उन्हीं को वो पैसा दिया जाता है, उन्हीं की योजनाएं पास होती हैं और पैसा वापस मंत्री के पास पहुंच जाता है, उन लोगों के पास पहुंचता है पैसा। तो ये जो करप्शन का जो दूसरा रास्ता चल रहा है, ये करप्शन डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली में जो करप्शन किया जा रहा है इन सरकारों के द्वारा योजनाओं के नाम पे, देश में 109 योजनाएं चल रही है इस टाइम केंद्र सरकार की, ऐसी दिल्ली में एक और योजना अभी अभी लॉन्च की है, आपके सामने उस बात को भी रखूंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने सभी अतिथियों को भी आमंत्रित करता हूं और आप लोगों के सामने जो बात रखने के लिए हमने बुलाया आपको, सबसे बड़ा कारण यह था कि जैसा मैंने अभी आपको बताया 26 नवंबर 2017 भारतीय संविधान दिवस के जो संविधान दिवस मनाया जाता है उस दिन हमने पार्टी की स्थापना की और 11 जुलाई 2018 से पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन दिल्ली की जो है चप्पल वाली सरकार है जिसने गरीब लोगों को गुमराह किया, दिल्ली के वोटर को गुमराह किया था जिस पार्टी ने, उसके खिलाफ दिल्ली के गरीब लोगों ने एक अभियान छेड़ा
और एक उस अभियान को मूर्त रूप देके एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जो जो पार्टी आज आपके सामने है, जिसका नाम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। जब इलेक्शन कमीशन में गए तो इन्होंने कहा कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, यह पार्टी गरीबों की पार्टी है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ऑब्जेक्शन फाइल किए। तो हमने उनको ऑब्जेक्शन पे अपना रिप्लाई दिया और आर्ग्यूमेंट करके वहां पर उनको रिजेक्ट कराया। तो अब ये चप्पल वाली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में चली गई है, लेकिन हमें वहां डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी में और वो बेईमाना झूठ फ्रेम कर रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती चप्पल पहन ली है, जबरदस्ती दिखावा किया है गरीब बनने का। तो वो चीज, हम असली गरीब हैं जो गरीब एक पार्टी लेकर आए हैं। दिल्ली के गरीबों ने ठान लिया है कि झूठ फ्रेम की सरकार को भगाना है। तो अब सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं अपने मुख्य अतिथियों को भी आमंत्रित करता हूँ और आप प्रेस के बंधुओं से इजाजत चाहता हूं कि हम अब चुनाव लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और भारत के चुनाव आयोग ने, हमने भारत के चुनाव आयोग के सामने 10 चुनाव चिन्ह अपने भेजे थे, 10 चुनाव चिन्ह की एक लिस्ट भेजी थी हमने भारत के चुनाव आयोग के सामने। उनमें से एक चुनाव चिन्ह हमें अलॉट हुआ है, जो हम देश के और मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। पहले मैं आपको उन चुनाव चिन्ह का नाम बताता हूं, ताकि आप लोगों को कल को आप क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या हमने किया। हमने चुनाव चिन्ह में पैन की डिमांड की थी, जो लिस्ट है इंडिपेंडेंट सिंबल्स की, जो फ्री सिंबल्स की है, कैंडल, कैमरा, बांसुरी, दूरबीन, सीटी की, चेयर और बुक। उसके साथ साथ एक सिंबल और है, टॉर्च। तो हमने सारे सिंबल ये लिख के इलेक्शन कमीशन के पास भेजे थे कि इनमें से कोई भी सिंबल हमें अलॉट कर दिए जाए। तो एक सिंबल अलॉट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और वो सिंबल हम आपके सामने 21 दिसंबर 2018 को, 21 दिसंबर 2018 को हमने एक मेल रिसीव किया हमारी पार्टी की ईमेल आईडी में, उस पर सिंबल अलॉट किया गया है। तो वो सिंबल सबसे पहले हम आपके सामने शो करने जाते हैं। और मैं अपने मुख्य अतिथि, अपने जो अतिथि हैं हमारे, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और इस सिंबल की ओपनिंग करें। इनको हटा दो, चेयर हटा दो, चेयर वहां से नीचे कर लो यार, रुक जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। हेलो, नीचे बैठ, टॉर्च है, टॉर्च, हां टॉर्च तो लगे ये भी आती है, एक कर देंगे वोट। हां वो ही है, आलिया आलिया। और इन सब लोगों ने, हमारे बीच में काशीनाथ जी हैं, वो भी आए अगर जगह बनाए उनके लिए भी। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इन्होंने हमें सहयोग करने की अपील की है, हमने अपील की थी इनसे, तो इन्होंने सहयोग करने का वायदा किया है। साथियों, दिल्ली में ये जो गरीब लोग हैं, अब इन गरीब लोगों ने एक साथ एकजुट होकर राजनीति करने के लिए ठाना है, और उस राजनीति का नाम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। उसमें अगुवाई कर लिए, साथ साथ ये सिंबल जो लेकर आए हैं, देश में लोग, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा के चुनाव को हम लोग किस किन मुद्दों पे लड़ेंगे, किस विचारधारा पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पर आप कुछ प्रकाश हम डालना चाहेंगे। दिल्ली, क्योंकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ, लड़ाई शुरू दिल्ली से ही हुई है, तो हम दिल्ली के साथ दिल्ली की बात करना चाहते हैं कि देश के सामने कुछ इश्यूज हैं, देश के सामने कुछ इश्यूज हैं जिन पे आप लोगों को बात रखनी है। मीडिया के माध्यम से देश के सामने ये बात पहुंचानी है कि इस देश में जो देश का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र आज दौलत के अंधेरे में छिपा हुआ है। पूंजीवादियों ने उस लोकतंत्र को छिपा लिया है। और जब भी गरीब लोग एकजुट होकर राजनीति करने की बात करते हैं, जब सारे गरीब लोग एकजुट होकर राजनीति करने की बात करते हैं, तो उनको ये कहकर रोक दिया जाता है कि राजनीति बिना पैसे के नहीं होगी, राजनीति बिना पैसे के नहीं होगी। इसीलिए आपकी अपनी पार्टी इस दौलत के अंधेरे में,
ये जो दौलत का अंधेरा है लोकतंत्र में उसको उसके लिए एक रोशनी की टॉर्च लेके आई है जो भारत के चुनाव आयोग ने हमें टॉर्च दी है। हम इस टॉर्च चुनाव चिन्ह को आवंटित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पार्टी धन्यवाद करती है भारत के निर्वाचन आयोग का कि उन्होंने हमें टॉर्च का सिंबल दिया। और टॉर्च जो प्रतीक है रोशनी का, जब दिल्ली में गरीबों के लिए अंधेरा, दिल्ली और देश में गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए अंधेरा है, 70 साल से जब कांग्रेस पार्टी ने राज, कांग्रेस पार्टी 70 साल की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज देश की क्या स्थिति है कि देश का जो अन्नदाता है किसान, वो कर्ज में डूबा हुआ है। इस कर्ज में डूबने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? जब आप हरित क्रांति चलाते हैं, हरित क्रांति में देश का अन्नदाता इस देश में इतना अन्न पैदा कर देता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाने की, जब आपने ऑस्ट्रेलिया से इतना गंदा गड़ा सड़ा गेहूं मंगाया और उसके बाद इस देश के अन्नदाता ने अपने कंधे पे हल उठा के कहा कि नहीं हम इस देश के लिए पैदावार करेंगे, और उसने इतना अन्न पैदा कर दिया कि वो आपके FCI के गोडाउन में वो गेहूं सड़ता है, इतना अन्न उसने पैदा कर दिया। और आज उसकी स्थिति क्या है कि वही अन्नदाता कर्ज में डूब के फांसी, कर्ज में डूबा हुआ है और फांसी लगाने की स्थिति में है वो। तो ऐसी हालात क्यों पैदा हुए कि देश का कामगार, देश का किसान, वो ऐसी हालात में पहुंचने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने 60 साल देश पर राज किया वो जिम्मेदार है, या पिछले 8-10 साल से, 12 साल से जिसने शासन किया वो जिम्मेदार है? इस देश के बेईमान पूंजीपति और राजनीतिक गठजोड़ इसके लिए जिम्मेदार है। बेईमान पूंजीपति जिन्होंने कुछ लोगों को अपने स्वार्थ के लिए नीतियां बनाने के लिए उन लोगों को, राजनीतिक लोगों को अपनी जेब में बिठा लिया और ऐसी पॉलिसी बनाई कि आज इस देश में किसान सड़कों पर जाता है उसकी बात नहीं सुनी जाती, और देश का प्रधानमंत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी के लिए बधाई देने जाता है। इस दिल्ली में किसान सड़कों पे दौड़ रहा है लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश का बेरोजगार, आज आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि देश का युवा, जिस युवा आबादी पर हमें नाज होना था, आज वो बेरोजगार की श्रेणी में बैठ के आज वो लोग बेरोजगार होकर सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, और उसके लिए क्या साजिश रची गई है? आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं कि देश के युवा को व्यस्त करने के लिए इस देश में साजिश रची गई। BSNL जब इंटरनेट का पैकेज नहीं दे पाया उसके लिए पॉलिसी थी वोल्ट और वोल्टियर, दो पॉलिसी है। वोल्ट पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि आपको इंटरनेट का एक्सेस सिस्टम डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देश के प्रधानमंत्री ने रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, और जिससे जियो का जन्म हुआ। और जियो का जन्म क्यों कराया गया ये आपको सोचने की जरूरत है। जियो का जन्म इसलिए कराया गया कि अन्ना के आंदोलन में जो नेट, जो सोशल मीडिया ने भूमिका निभाई, आज फ्री का नेट देने के बाद इस देश के युवा को सिर्फ मोबाइल पे उंगलियां घुमाने के लिए बैठा दिया गया, वो आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। आज इस देश का युवा आंदोलन करने की तरफ अग्रसर नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल पे उंगलियां घुमा के ही अपना काम सोचता कि मेरा काम पूरा हो गया। अब ये सोशल मीडिया पे उंगलियां घुमाना और इस पे नेट पे उंगलियां घुमाने से देश का भला होने वाला नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। जिंदा रहने की डेली आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन मरने की तैयारी जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल भी नहीं होगा। साथियों, किसानों, आदिवासियों, युवाओं के साथ जो छल कपट किया जा रहा है, आए दिन वो लाठियां खा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं उन पे, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात नहीं की जा रही। अब शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक फैसला आया, उस फैसले में कहा गया कि सिखों को न्याय मिला 1984 के बाद, 34 साल के बाद न्याय मिला। जो लोग जस्टिस एट डोर स्टेप की बात करते थे, उन्होंने जस्टिस एट डेथ स्टेप बना दिया है।
मतलब आपके मरने के टाइम न्याय मिलेगा। जस्टिस डोर स्टेप पे नहीं है, जस्टिस एट डेथ स्टेप है। इस तरह की नीतियां क्या ये न्याय व्यवस्था न्याय कर पा रही हम लोगों के साथ? ये जो भारत की न्याय व्यवस्था है 34 साल के बाद एक दंगे का, और वो क्या है, उसमें न्याय कम झलकता है, राजनीति ज्यादा झलकती है। न्याय कम झलकता है, राजनीति ज्यादा। 34 साल के बाद आया जजमेंट तो दूसरी पार्टी घुनाने के लिए चली गई। अब ऐसे ही अगर केंद्र की सत्ता परिवर्तन होगी तो कल को 2002 के दंगे को घुनाने की बात चली जाएगी। ये राइवलरी तो हमारे देश की न्यायपालिका, ऐसा लगता है कि न्यायपालिका कठपुतली बनी हुई है राजनीतिक लोगों की, और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक पार्टी का शासन है तो दूसरी पार्टी के लोगों को सजा हुई तो उसको प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये तो ये पार्टी शामिल होगी। अब कल को जब अगर सपोज करो 2019 में केंद्र में सत्ता बदलेगी, किसी को दो लोगों को गोधरा कांड में सजा हो जाए तो कल को वो लोग आवाज उठाएंगे कि ये तो ये पार्टी दंगा करने वाली पार्टी है। आपके सामने जो बेसिक क्वेश्चन है, हम जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स और ये जो हमारे साथियों के जो राजनीतिक संगठन है जिसमें पंजाब से भी चल रहे हैं, दिल्ली से सामाजिक न्याय से महाराज जी बैठे, विराट नाथ जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सामाजिक न्याय पार्टी के, प्रेमदास भाषा जी जो विश्व वाल्मीकि धर्म संसद से हैं, तो हम आपके सामने ये प्रश्न रख रहे हैं कि इस देश में बदलाव, इस देश में बदलाव के दो तरीके हैं। कुछ राजनीतिक लोगों ने कहा कि सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति, सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति। जब सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक मुक्ति कैसे होगी? इसका मतलब पहले सामाजिक न्याय, अन्याय का आपने सामाजिक तौर पे कर दिया, सामाजिक तौर पे आपने अन्याय कर दिया, आज आप न्याय की बात करते हैं। तो जब अगर आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगा, अगर आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगा तो सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। ये हम आपके सामने बात करते हैं कि किस तरीके से कि अगर सलमान खान गोरी के साथ शादी करता है तो कोई ओनर किलिंग की बात उठाने वाला नहीं है। सलमान खान गोरी के साथ शादी करता है, कोई शाहरुख खान तो कोई ओनर किलिंग की बात नहीं होती है। अगर शाहनवाज हुसैन की शादी हिंदू मुरली मनोहर जोशी के यहाँ होती है, कोई बात उठाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके लिए सामाजिक न्याय, उनके लिए सामाजिक न्याय आड़े नहीं आएगा। और न्याय किसके आड़े आएगा? जो गरीब है। गरीब को विभाजित करके जातियों में ये जो राजनीति की जा रही है, जो संसाधनों से दूर किया जा रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई है। तो हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हम ये कहेंगे कि आर्थिक बदलाव पहले, आर्थिक बदलाव फिर सामाजिक परिवर्तन। पहले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, संसाधनों का बंटवारा हो, फिर सामाजिक परिवर्तन। इसलिए हमने बार बार कहा कि हम जो आपके अपनी पार्टी पीपल्स है वो इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाएगी। कास्ट एबोलिशन एक्ट लाने से क्या होगा कि ये जो बार बार मांग उठती है कि लोगों को गरीबी के आधार पर आरक्षण मिले, जब इस देश में आप जातियां खत्म कर दोगे तो आवाज नहीं उठेगी कि ये मराठा आंदोलन है रिजर्वेशन के लिए, ये जाट आंदोलन है या मीना आंदोलन है, गुजर आंदोलन है। जब आप इस देश से जातियां खत्म करोगे तो दो वर्ग पैदा होंगे, और एक वर्ग होगा अमीर और एक गरीब, एक अमीर और एक गरीब। तो गरीब लोग संसाधनों के बंटवारे के लिए संघर्ष करेंगे। इसलिए हम ये सिस्टम लेकर आए हैं देश के सामने कि अब आर्थिक बदलाव का वक्त आ चुका है। आर्थिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक न्याय प्राप्त करना पड़ेगा। सामाजिक गैर बराबरी आर्थिक बराबरी के साथ शुरू होगी। देश में पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है। हम बार बार बात करते हैं कि राफेल डील। अब मैं आपके सामने कुछ बात करना चाहूंगा कि हम राजनीति केंद्र के मुद्दों पे, केंद्र में हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब इस देश के वैज्ञानिक, जब इस देश के साइंटिस्ट अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली,
अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, आकाश मिसाइल बना सकते हैं इस देश के साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं, तो क्या हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते? ये आपके सामने सवाल छोड़ रहा हूं मैं, जितने भी मीडिया के साथी हैं, कि जब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम आकाश अग्नि सारी मिसाइलें बना सकते हैं, तो उनसे तो कम ताकत की चीज है फाइटर प्लेन, ये हम पैदा क्यों नहीं कर सकते? इस देश को सोचना पड़ेगा कि दो राजनीतिक पार्टियों ने एक तमाशा बनाया हुआ है इस देश में, एक दूसरे के खिलाफ दलाली की बात करके और वो देश की जनता को मेन मुद्दों से गुमराह कर रही है, देश की जनता को मेन मुद्दों से गुमराह कर रही है। 1965 के युद्ध के बाद जब से भारत चीन का युद्ध हुआ, कांग्रेस का पहला घोटाला निकला, जीप का घोटाला, जो इंग्लैंड से जीप मंगाई गई थी पहला घोटाला था, आज तक उस घोटाले के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जब भी कोई बात होती है तो देश में रक्षा सौदों पे, जो डिफेंस की जो डील होती है, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में वो बनती है, चाहे वो 1989 में बोफोर्स का मुद्दा है या आजकल राफेल का मुद्दा चल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है इस देश को गुमराह करने के लिए, क्योंकि पॉलिसी सही से नहीं बनाई जा रही है। अगर आप डील करते हैं तो देश के सामने उस डील को रखो पहले, कि मेरे देश की ये रिक्वायरमेंट है, हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे महान विद्वान वैज्ञानिक इस देश को न्यूक्लियर वेपन की तरफ ले जा सकते हैं तो फाइटर प्लेन भी बना सकते हैं, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी और ये बात देश के सामने रखनी भी पड़ेगी। साथियों, इसके साथ साथ जो आज तक इस देश में विदेश नीति बनी, अभी तक 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और आज हम 2018 में 68 साल से हम इस देश में देखते हैं कि बार बार विदेशी नेता आते हैं, हमारे नेता भी विदेश में जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आपने देखा होगा जो भी कोई टूर, कोई डेलीगेशन विदेश से आएगा, किसी भी बड़े देश से या छोटे देश से, चाहे वो अमेरिका से आ रहा है, फ्रांस से, रूस से, ये तीन देश है जिनके साथ हमारी बिजनेस डील बहुत ज्यादा डिफेंस की डील होती है, फ्रांस, अमेरिका और रूस। तो जब वो डेलीगेशन आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि इनके साथ हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर डील हुई है। तो ये टेक्नोलॉजी की डील हुई क्या है, देश को बताया जाए कि आपने किन टेक्नोलॉजी के लिए देश के लिए समझौता किया, या टेक्नोलॉजी की डील आप देश को छिपाने के लिए, देश के टैक्स पेयर ईमानदारी से जो देश के टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे को मिसयूज करने के लिए आप विदेशों से हथियारों की डील कर रहे हैं। आप जब कारगिल युद्ध हुआ तो आपने शोर मचा दिया कि हमारे पास गोले खत्म हो गए हैं, बोफोर्स तोप में डलने वाले गोले खत्म हो चुके हैं। तो ये कौन सा सिस्टम इस देश में याद किया है केंद्र की सरकारों ने? इन मुद्दों पे देश के युवाओं को, देश के पत्रकारों को, देश के मीडिया को सवाल पूछना पड़ेगा कि हम किस तरफ इस देश की राजनीति को लेके जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेके हम चुनाव में आना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और हमने ये तय किया है सभी साथियों ने मिलके कि देश की 57 सीटों पे, लोकसभा की 57 सीटों पे हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव चिन्ह भारत के निर्वाचन आयोग ने हमें आवंटित किया है। साथ साथ एक और चीज इस देश में चल रही है कि आप 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप के लिए 3 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी, 30 लाख की स्कॉलरशिप देंगे, 3 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी करेंगे। तो आज देश का मीडिया और देश के नौजवान, देश के वोटर को यह बात पूछनी पड़ेगी केंद्र और राज्यों की सरकारों से कि जो मीडिया पे आप लोग, जो पब्लिसिटी पे, मीडिया नहीं पब्लिसिटी पे, प्रचार के माध्यम पे जो पैसा आपने खर्च किया है, उस पैसे का कौन सी मद से खर्च किया है, उस पैसे का हिसाब देश की जनता मांगे। क्योंकि ये पैसा ना मीडिया के पास है, ना उन घरानों के पास है, ये पैसा जो देश के नेता हैं उन्होंने कंपनियां बनाई ली है प्रचार पब्लिसिटी के लिए, और पैसा घूम के देश के टैक्स पेयर का पैसा उन मंत्रियों के पास जा रहा है, उन नेताओं के पास ये पैसा जाने लग रहा है। तो इसको रोकने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। साथियों, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स।
है।